के बुरहानपुर में भाजपा बगावत का दौर लगातार जारी है। सोशल मीडिया पे बगियों को लेने नहीं लेने को लेके ट्रेंड चल रहा है, ट्रोल हो रहे हैं ये भाजपा नेता, जिसमें कई दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर प्रतिक्रिया तीखी चल रही है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे निष्ठावान भाजपा और अनिष्ठावान भाजपा का मामला चल रहा है। यहाँ पे गद्दार भाजपा का नाम भी चल रहा है, वहीं निष्ठावान कार्यकर्ताओं का नाम भी चल रहा है। इस पूरे मसले को लेकर सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है। आप लगातार स्क्रीनशॉट देखिए किस तरीके से जंग चल रही है। बहरहाल कल जो गुप्त बैठक हुई थी, जो श्री रोकड़ी हनुमान जी पे गुप्त बैठक हुई थी, इस गुप्त बैठक में सारे जो भाजपाई बड़े नेता है जो भाजपा से फिलहाल बाहर है उनकी बैठक हुई थी। उन्होंने यहाँ पे मांग की है, जो प्रभारी हैं, संगठन मंत्री हैं मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के, उनसे मांग की है, अजय जामवाल से मांग की है कि उन्हें भाजपा के पक्ष में काम करने दिया जाए, उन्हें भाजपा के लिए काम करने दिया जाए। जिसके बाद जामवाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो आप मैदानी स्तर पर काम करें और भाजपा को विजय बनाएं। जिसके बाद से आज या एक दो दिन में ही ये जो बागी भाजपाई हैं ये मैदान में उतर के भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। सवाल ये उठता है कि इसमें 2013 में भी भाजपा में बगावत हुई थी, विरोध हुआ था, 2018 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ, तो ये कौन सी परंपरा हो गई कि जिन भाजपाइयों ने जो विरोध में काम किया था अब वो भाजपा पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये बहस का विषय है, चिंतन भी जरूरी है इसमें। लेकिन हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखे उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। कितने लोग इस्तीफा देंगे और क्या स्थिति होगी? मैंने कहा इस्तीफों की तो झड़ी लगेगी और स्थिति जो हम बनाएंगे वो 1980 के से बनाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी का नवीन सरकार। बुरहानपुर से ये छल कपट वाले जो नेता हमारी पार्टी में घुस के बैठे हैं इनको बाहर करके हम बहुत जल्द एक पुनः साफ सुथरी भारतीय जनता पार्टी। आज लगभग कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? आज बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया और आगे अभी बहुत सारे लोग इस्तीफा देने वाले हैं। अभी तो पदाधिकारियों के इस्तीफे आए हैं, कार्यकर्ताओं के प्राथमिक सदस्य से अगर इस्तीफे आने लगेंगे तो वो बहुत बड़ी संख्या होगी। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आज जिलाध्यक्ष जी ने भी हमसे कहा कि हमारे लेटरों को पढ़ के वो हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। मैं तो जिलाध्यक्ष जी और तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ जो जिले के हैं, अपने दिल पे हाथ रख के अगर वो बोल देंगे उन्होंने टिकट बहुत सही दिया तो मैं मानता हूँ। देखा जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा जो है तुष्टिकरण की राजनीति भी जी, कुछ नेताओं द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति की जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी जमीन पैरों के हिस्से से खसक चुकी है। अब एक ही रास्ता उनके पास बचता है कि हमारे शहर में जो अमन और चैन कायम है उसके बीच में वो लोग नफरत का जहर घोलें, हमारे शहर को दो हिस्सों में विभाजित करें, यही उनके पास में एक अंतिम रास्ता बचा है। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा तो सब मतदाताओं से, भाइयों बहनों से एक ही निवेदन है, ये अमन और चैन का शहर है, ये शांति का शहर है, हमारा बुरहानपुर हमारी धरोहर है। हम एक होकर के चलें, हम साथ चलें, बुरहानपुर की तरक्की हो, यही मेरी आप सबसे मतदाताओं से। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।